एक महत्वपूर्ण निर्णय में हाल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि विवाह पूरी तरह टूट चुका हो, भावनात्मक रूप से मृत प्राय हो गया हो और स्थिति में सुधार की संभावना ना बची हो तो तलाक दिया जा सकता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में विवाह के अंतिम रूप से टूटने को तलाक का आधार नहीं माना गया है, परंतु अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 का सहारा लेकर आर श्रीनिवास कुमार बनाम आर समेठा में यह व्यवस्था दी। अनुच्छेद 142 शीर्ष अदालत को पूर्ण न्याय के लिए किसी भी तरह का फैसला देने का व्यापक अधिकार देता है। कोर्ट ने पत्नी की यह दलील ठुकरा दी कि अनुच्छेद 142 के अंतर्गत भी शादी दोनों पक्षों की सहमति के बिना इस आधार पर भंग नहीं की जा सकती कि यह अंतिम रूप से टूट चुकी है। निचली अदालत ने पति की याचिका खारिज कर दी थी, जिस पर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मोहर लगा दी थी। दोनों अदालतों के पास याचिका को खारिज करने के सिवाय कोई चारा ही नहीं था, क्योंकि अनुच्छेद 142 की तरह कोई विशिष्ट अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 142 के तहत तलाक की अनुमति देने का यह पहला मामला नहीं है। हाल के दशकों में जिस तरह बार बार अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया गया है, उससे संवैधानिक मर्यादा और जवाबदेही का सवाल खड़ा हुआ है, क्योंकि इसका इस्तेमाल मौजूदा कानूनों की अवहेलना करते हुए नहीं किया जा सकता। 1990 के दशक से सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान कानूनों को नज़रअंदाज करते हुए कई मामलों में अनुच्छेद 142 के अंतर्गत विशेष शक्ति का इस्तेमाल किया है, जिस पर आपत्ति उठाई गई है। हिंदू विवाह अधिनियम की अनदेखी करते हुए आपसी सहमति या शादी के अंतिम रूप से टूटने के आधार पर तलाक की अनुमति दी जा रही है। चंद्रकला मेनन बनाम विपिन मेनन केस में सुप्रीम कोर्ट ने आपसी सहमति के आधार पर तलाक का आदेश दिया। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 खा के तहत शीर्ष अदालत ने शादी को भंग इस आधार पर किया कि न्याय के लिए यह जरूरी था, जबकि धारा 13 खा के तहत दी गई सहमति संयुक्त अर्जी दायर किए जाने के 1 सप्ताह के अंदर ही वापस ले ली गई थी। अनिता सवरवाल बनाम अनिल सवरवाल में कानून द्वारा निर्धारित 6 माह की अवधि का
इंतजार किए बिना तलाक का आदेश दे दिया गया। किरण बनाम शरद दत्त केस में भी शीर्ष अदालत ने ऐसा ही निर्णय दिया। कई अन्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने आपसी सहमति के आधार पर 6 महीने का इंतजार किए बिना तलाक की अनुमति दी है। कालाधन, जिसे अंग्रेजी में ब्लैक मनी कहा जाता है, ऐसा धन है जो व्यवहारिक रूप से आयकर विभाग की नज़र से छुपा हुआ होता है। इस धन का लेखा जोखा सरकारी आंकड़ों में कहीं नहीं होता। स्टॉक